हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मुरीद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हमारी सीरीज चल रही है e4 अगेंस्ट नाइट c6 के बारे में। बहुत सारी ओपनिंग्स ऐसी है जो कई लोगों का प्रिपरेशन नहीं होता है, उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हो। तो nc6 के सारे वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। आज हम देखेंगे e4 nc6 देन नाइट f3 वेरिएशन, और उसके बाद उसे कहते हैं F5, जिसका नाम है कोलोराडो गैम्बिट। तो कोलोराडो गैम्बिट बहुत सारे ब्लैक प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको इसके ऐसे मूव्स बताऊंगा कि आप इसके फैन हो जाओगे और इसी ओपनिंग को चॉइस करके खेलोगे। तो बहुत मज़ा आएगा जब वाइट को आप e4 अगेन सरप्राइज मूव देते हो। तो आगे के वीडियो में आपको जो भी वेरिएशन दिखा है आप फिर से एक बार देख लीजिए। और यहाँ शुरू करता है नए वेरिएशंस के साथ e4 nc6। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग्स आपको पहले भी वीडियो में मिलेगी। तो जो आप सर्च करोगे पुराने मेरे वीडियो, आज तक के जितने भी है 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें बहुत सारी ओपनिंग्स मतलब मोस्टली ओपनिंग के वीडियोज है। कुछ कुछ है जो बिगिनर्स और मिडल गेम के बारे में, लेकिन ज़्यादातर मेरे वीडियो ओपनिंग्स के बारे में होते हैं। अलग अलग मैं आपके लिए हर बार कुछ नॉवेल्टी लेके आता हूँ ओपनिंग में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जिस ओपनिंग के बारे में अधूरा नहीं छोड़ता, पूरी ओपनिंग और हर एक वेरिएशन के साथ मैं आपको तैयार करके देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड मूव वाइट प्लेस d4, ये मोस्ट पावरफुल रिप्लाई होता है। उसके बाद e5, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है ब्लैक से। इस पोजीशन में वाइट खेलता है d takes e5। d5 के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि अगर वाइट d5 करे तो आपको क्या करना है। d takes e5 के बारे में भी एक वीडियो अपलोड किया है, और उसके आगे भी आपको सीखना है knight cross e5। और उसके बाद वाइट अगर रिप्लाई देता है nc3, यहाँ पे हमने पुराने वीडियो में देखा, इससे पहले वीडियो में f4 या bishop f4, ये रिप्लाई के बारे में आपको दिखा दिया है। अब देखते हैं कुछ नया, यानी knight c3 वाइट इस पोजीशन में करता है तो आपको क्या करना है। यहाँ सिंपल bishop c5, आपको सीधा f2 पे टारगेट करके डेवलप करना है bishop c5। अब इससे दो आइडिया है, bishop e3 स्टॉप कर रहे हैं हम, और अपना बिशप डेवलप करते हैं। तो bishop c5 के बाद यहाँ वाइट खेलेगा f4। दो ऑप्शन है वाइट के पास, f4 या तो फिर bishop to f4। दोनों ऑप्शन में हम देखेंगे क्या करना है। वाइट अगर खेल रहा है f4, तो यहाँ वापस सिंपल knight c6। अब ये नाइट d4 को प्रोटेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात, मेन चीज ये है कि हम वाइट को किंगसाइड कैसल करने से स्टॉप कर रहे हैं bc5 से। तो यहाँ पे हो सकता है वाइट bishop c4 करे, ये बेस्ट रिप्लाई वाइट की ओर से, क्योंकि किंगसाइड के पीसेस जल्दी डेवलप करने जरूरी है। ऑलरेडी ये बिशप ओपन हो चुका है, इस बिशप को जल्दी से बाहर लाते हैं। तो bc4 के रिप्लाई में आपको करना है d6। अब आप e5 को स्टॉप कर रहे हो और अपने लाइट स्क्वायर बिशप को बाहर निकाल रहे हो। तो d6 के बाद वाइट खेलेगा knight to f3, और यहाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है bishop to g4। bishop g4 के बाद वाइट ट्राई करेगा आपके बिशप को अटैक करके भगाने का। तो यहाँ पे सिंपल bishop e6। अब ये आप सोचोगे कि यहाँ पे बिशप एक्सचेंज क्यों करना है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आफ्टर bishop takes bishop, f takes bishop, और ये देखिए कि आपका सेंटर कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है। तो f takes bishop के बाद वाइट खेलेगा queen to e2। अब वाइट का आइडिया है लॉन्ग कैसल का, बिशप निकाल के और लॉन्ग कैसल कर सकता है, इसलिए यहाँ सिंपल रिप्लाई देना है knight f6। बट आफ्टर bishop e3, यह स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है दोस्तों, ना कि bishop takes bishop, यहाँ आपको खेलना है bishop to b4। और उसके बाद आप वाइट का लॉन्ग कैसल स्टॉप कर रहे हो। कैसे? कि अगर वाइट ने लॉन्ग कैसल कर दिया तो सिंपल bishop takes knight करके pawn takes bishop और pawn double भी हो जाएगा,
और उसके लॉन्ग कैसल साइड आप जल्दी अटैक भी कर पाओगे। तो एक तो ये पोजीशन है। F4 के बाद जैसे कि नाइट C3, दोस्तों ये वेरिएशन नाइट C3 के बाद के F4 का है, लेकिन किसी ने अगर नाइट C3 नहीं किया और पहले ही F4 कर दिया, तो पहले F4 कर दिया तो भी आपकी पोजीशन यही आएगी, नाइट से सिक्स, बिशप C4, ये पोजीशन बहुत सारी गेम में आई है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिशप C5 नहीं खेलना है, ये ब्लंडर मूव है, क्योंकि बिशप C5 सिंपल वाइट विल कैप्चर योर F7 आफ्टर किंग टेक्स F7, और यहाँ पे ये आपका क्वीन D5 से चेक, और उसके बाद क्वीन टेक्स। तो दोस्तों ऐसे एक तो आप पॉन भी डाउन हो जाओगे और अपना पीस भी वापस सामने वाला ले जाएगा और कैसलिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस पोजीशन में ध्यान रखें कि जब भी आपका सामने वाले का बिशप C4 पे है तब भी C5 खेलना मुनासिब नहीं है। तो इसके बदले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बिशप B4 चेक, BB4 चेक के बाद दो मेन ऑप्शन है वाइट के लिए। अपना पॉन डबल नहीं करना है, नाइट C3 में आप सिंपल बिशप टैक्स करके पॉन डबल करवा सकते हो, ओपनिंग में ही पोजीशन अच्छी बना लेते हो ब्लैक की ओर से। तो नाइट C3 ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है, इसके पास एक तो C3 वाली मूव है और दूसरी मूव है बिशप टू D2, ये दोनों बेस्ट चॉइस है। तो पहले देखते हैं बिशप D2। बिशप D2 में आपको करना क्या है, क्वीन H4 चेक, G3 ऑब्वियस मूव, और क्वीन टू E7 विथ अनदर थ्रेट क्वीन टू E4। तो यहाँ पे वाइट को क्वीन F3 वाइट की ओर से बेस्ट रिप्लाई है। यहाँ आपको खेलना है नाइट F6, फिर और अटैक बढ़ाना है पॉन के पर। अब इसके पास जो बेस्ट चॉइस है वो है E5, और E5 के सामने सिंपल आपको खेलना है D6, और ये पिनिंग पॉन का एडवांटेज लेना है। अगर व्हाइट बिशप टेक बिशप यहाँ करता है तो सिंपल नाइट टेक्स बिशप और फिर से नाइट C2 की थ्रेट आती है। तो दोस्तों ये पोजीशन है। अब देखते हैं C3 के बारे में। इस पोजीशन में अगर व्हाइट ने C3 कर लिया तो सिंपल बिशप A5, आपको इसे यहाँ से बिशप को B6 लाने का प्लान है। नाइट F3 व्हाइट नहीं खेलेगा B4, क्योंकि उसे पता है कि आप अपना बिशप को अच्छी जगह लाना चाहते हो, तो वो अपने किंग साइड डेवलपमेंट में ध्यान रखेगा और कैसलिंग की तैयारी हो गई। तो कैसलिंग पहले से ही हमें स्टॉप करना है, इसीलिए बिशप B6 यहाँ खेलना है। चाहे व्हाइट B4 खेले या ना खेले, आपको BB4 ला देना है ताकि कैसलिंग स्टॉप हो जाए। उसके बाद नाइट G5, ये ब्रिलियंट मूव होती है व्हाइट की ओर से, और यहाँ पे F7 पे डायरेक्ट अटैक। यहाँ आप सिंपल रिप्लाई दोगे नाइट H6 और इसे सपोर्ट के साथ में। व्हाइट अगर क्वीन H5 करता है, इस पोजीशन में ज़्यादातर लोग ऐसे मूव्स करते हैं कि इस पॉन पे अटैक बढ़ाना। अब देखिए 1 2 3 अटैक आ गया F7 पे, और कैसलिंग यहाँ पे आप सिंपल कैसलिंग कर लोगे तो आपका पॉन भी सेफ हो जाएगा। अब देखते हैं नाइट C6 के बाद कुछ चेंजिंग। यहां पे हमने देखा इस पोजीशन में C3, फिफ्थ मूव में C3 के बदले नाइट C3 करें तो क्या, जैसे कि व्हाइट प्लेड F4, उसके बाद बिशप C5। हमने Bc5 आपको बताया कि ब्लंडर है, बिशप B5 और Bb5 में यहाँ पे Bb5 चेक में व्हाइट ने C3 किया, बिशप टू A5, और यहाँ अगर व्हाइट ने बिशप D3 किया, जैसे कि पहले से ही पॉन को सपोर्ट कर दिया ताकि क्वीन E7 वाली थ्रेट नहीं आए,
तब आपको यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई देना है d5। वाइट खेलेगा e5, मोस्टली इस पोजीशन में e5 बेस्ट है, और यहाँ d4 विथ अग्रेसिव अटैकिंग मूव। तो ये भी एक ब्रिलियंट मूव है। सेवंथ मूव में बिशप डी, दोस्तों जो भी चेंजिंग है इसमें आज हम देखेंगे सेवंथ मूव के बारे में। c3 ba5 बिशप d3, पहले हमने देखा c3 ba5 नाइट f3। दोस्तों यहाँ पे देखो, ध्यान रखिए क्या क्या चेंजिंग आते हैं। c3 बिशप d2 तो हमने देख लिया, c3 बिशप a5, ये मूव नंबर हो गया 6। अब 7 मूव में हमने पहले देखा कि नाइट f3, अगर नाइट f3 खेलता है तो आप बिशप टू b6 कैसल को स्टॉप कर दो, नाइट g5 करता है तो नाइट h6 और यहाँ पर कैसलिंग, तो ये पोजीशन आएगी और आप अपने सारे पीसेस डेवलप करके बेस्ट तरीके से खेल सकते हो अगर c3 ba5 और nf3 वेरिएशन में ऐसे खेलना है। अब दूसरा जो वेरिएशन है वो है c3 ba5 देन बिशप d3। यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं, नाइट f3 के बदले वाइट यहाँ पे अगर बिशप रिटर्न लेता है तो बिशप d3 के बाद आपको खेलना है d5 e5 और d4। अब देखते हैं बिशप d3 के बदले सेवंथ मूव में नाइट f3 nf6। यहाँ पे c3 वाली जो लाइन है ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, व्हाइट ने जब नाइट पे अटैक किया f4 के बाद नाइट c6 और व्हाइट ने बिशप c4 खेला, तो ये इतने वेरिएशन मैंने आपको दिखा दिए वो आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर बिशप c4 के बदले यहाँ पे व्हाइट अगर चाहता है कि उसका शॉर्ट कैसल हो और उसके लिए बिशप e3 करके आपके बिशप c5 को स्टॉप कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिंपल देना है चेक bb4 चेक। अब पोजीशन में थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ कि bb4 चेक में पहले बिशप c4 था और इसके बदले इस बार बिशप e3 है, तो बिशप बाहर नहीं निकला है, ये ध्यान रखिए। आप जब भी कोई ओपनिंग प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ उसका एक ही मूव याद रखिए कि इसमें बिशप आउट नहीं हुआ है, डार्क स्क्वायर बिशप निकाला है। तो डार्क स्क्वायर बिशप के बाद यहाँ पे व्हाइट रिप्लाई देगा c3 और यहाँ आपको खेलना है बिशप f5। अब यहाँ से टोटल दोस्तों तीन वेरिएशन है, कितने हैं, तीन वेरिएशन। एक वेरिएशन ये है कि बिशप d3 और दूसरा जो मेन मूव है नाइट f3, सिंपल किंग साइड नाइट को डेवलप करना, और तीसरा जो है वो है बिशप टू c4। अब उस मूव में बिशप c4 में हम bb6 नहीं ला सकते क्योंकि ऑलरेडी बिशप यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये तीनों वेरिएशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो बिशप पहले देखते हैं हम बिशप d3, अगर वाइट बिशप d3 करता है तो यहाँ पे सिंपल आपको खेलना है d5। d5 के बाद अगर वाइट ने e5 किया तो नेक्स्ट बेस्ट मूव है d4। अब ये पॉन जो पिनिंग है उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे बिशप d3 के बदले अगर व्हाइट ने नाइट f3 किया तब यह आपको गेम में कैसे खेलना है, यहाँ पे सिंपल आपको e4 पॉन पे अटैक करना है। e4 पॉन पे अटैक करोगे तो यहाँ पे व्हाइट डेवलप करेगा नाइट d2 और इस पॉन को प्रोटेक्शन के साथ अपना एक पीस माइनर पीस डेवलप होता है, तो नेचुरल मूव है। यहाँ पे आपको खेलना है d5 के बाद मोस्ट रिप्लाई कॉमन रिप्लाई है e4 और यहाँ पे नाइट g4 इस बिशप पे अटैक। अब बिशप g1 यही एक बेस्ट ऑप्शन है ताकि वो अपना f7 पे f2 पे सपोर्ट भी कर सके, और उसके बाद में आइडिया क्या है h3 करने के बाद वो वापस अपना बिशप e3 ला सके। तो यहाँ बिशप g1 के रिप्लाई में सिंपल आपको खेल देना है बिशप टू b6 और इसके बाद कम्प्लीटली गेम ब्लैक के फेवर में। और वेरिएशन देखते हैं नाइट f3 के बदले सेवंथ मूव में बिशप c4। यहां से इस पोजीशन में व्हाइट बिशप c4 करता है तो आपको क्या खेलना है, बिशप c4 के रिप्लाई में आपको यहां पे क्वीन e7
e5 को अटैक करना है। नाइट d2 ये मोस्ट कॉमन रिप्लाई है पॉन को सपोर्ट करके डेवलप करने का। यहाँ पे आपको सिंपल d6 करना है, लाइट स्क्वायर बिशप ओपन कर देना है। तो d6 के बाद व्हाइट खेलेगा क्वीन f3 और उसके बाद सिंपल h3, नाइट f6। अब आइडिया क्या है, बिशप टू g4। तो बिशप g4 को स्टॉप करने के लिए नाइट पॉन h3 यही एक बेस्ट ऑप्शन है। h3 के बाद सिंपल आपको कर देना है शॉर्ट कैसल। व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट e2 डेवलप करके और यहाँ पे रुक टू e8। कंप्लीटली आपका जो प्रेशर है वो एक्सरे अटैक में e5 पे। अब देखिए e5 पे व्हाइट के तीन तीन पीसेस है और ब्लैक ने दोनों अटैक फाइंडिंग किए हैं। तो re8 के बाद मोस्ट कॉमन रिप्लाई होता है नाइट टू g3। आइडिया नाइट, सॉरी यहाँ भी आ सकता है, कैसलिंग भी कर सकते हैं, लॉन्ग कैसल भी कर सकते हैं, बहुत सारे मूव्स हैं और एक सिंपल जो पिनिंग लाइन है उसमें से एक पीस अपना कम कर सकते हैं। नाइट g3 के बाद आपके पास बेस्ट चॉइस है d5। अब दोस्तों आप देख सकते हो ये e3 वाला बिशप जो हैंगिंग है उसके लिए हमें, अब वाइट खेलेगा बिशप टू d3 और बिशप d3 के बाद नाइट कैप्चर e4। आफ्टर नाइट टेक्स e4 यहां पे f5 और ये क्लियर कट ब्लैक की गेम हो, क्योंकि नाइट अगर मूव करते हैं तो क्वीन टेक्स e3 और नाइट मूव नहीं करते हैं तो आपको डबल अटैक से पीस मिल रहा है। तो दोस्तों ये था f4 वाला वेरिएशन। अब मैं आपको एक और वेरिएशन बताऊंगा बिशप टू f4। आफ्टर नाइट टेक्स e5 एक और वेरिएशन है जो बिशप f4। अब दोस्तों यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि ब्लैक की ओर से क्या खेलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं मोस्ट कॉमन रिप्लाई है जब भी बिशप नाइट पे अटैक करता है तो नाइट बिशप पे अटैक करके डेवलप हो जाता है। जो नाइट g6 नेचुरल मूव है और मैं भी आपको यही खेलने की सलाह दूंगा। बिशप g3 ये भी उसका कॉमन मूव होता है, जब भी बिशप f4 आता है तो वो बिशप g3 पे ही ज़्यादातर होता है। तो बिशप g3 के बाद आपको यहाँ खेलना है नाइट f6। अब देखिए सीधा e4 पॉन पे अटैक। अब नाइट f6 के बाद मोस्ट कॉमन रिप्लाई होता है बिशप नाइट d2, क्योंकि नाइट c3 ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है। इसके बाद बिशप b4 आता है और फिर भी इस पॉन पे प्रेशर बना रहता है और पॉन डबल होने का भी चांसेस रहता है। तो नाइट d2 इज ए कॉमन रिप्लाई। यहाँ पे आपको खेलना है बिशप c5, f2 पे अटैक और आपका बिशप डेवलप हो गया। वाइट खेलेगा बिशप c4, वो भी अपने किंग साइड का पीस डेवलप करेगा और यहाँ पे सिंपल आपको कर देना है शॉर्ट कैसल। शॉर्ट कैसल के बाद अगर वाइट ने नाइट f3 किया तो ये उसकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, बहुत ही बड़ी ब्लंडर होगी। यहाँ आप खेल सकते हो d5 अर्ली अटैक करने के लिए। आफ्टर e takes d5 देन रुक टू e8 चेक। और इस पोजीशन से मुझे नहीं लगता कि ब्लैक को कोई भी परेशानी हो, काफ़ी ब्रिलियंट पोजीशन। तो दोस्तों ये थी NC6 की लाइंस जो मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। सभी लोग अपनी बुक में सारे वेरिएशन लिख के अपने ओपनिंग्स तैयार कर दीजिए, स्टडी कीजिए। और स्टडी करने का बेस्ट तरीका है ऑनलाइन गेम खेलना, साथ में बुक रख के अपने मूव्स उसमें से कॉपी करना। जब तक आपको याद आते हैं आप याद करके मूव कीजिए, और अगर आपको याद नहीं रहते तभी आप बुक में देखिए। ये वन टाइप ऑफ चीटिंग नहीं कहलाता, ये हमारा प्रिपरेशन है। बुक मूव तो सबको पता होता है, हमें पता नहीं तो उसमें हमारी क्या गलती है दोस्तों। तो हम इसमें बुक में से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई हम एग्जाम देने तो बैठे नहीं है। कॉम्पिटिशन में आप बुक लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन घर पर तो आप रीडिंग कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी स्कूल की एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें कैसे आप बुक लेके फिर याद करते करने की कोशिश करते हो, इसी प्रकार आपको ऑनलाइन गेम्स खेलनी है उसमें ओपनिंग मूव्स देखने हैं बुक में। अगर आपको याद रहते हैं तो कम्प्लीटली करने हैं, नहीं याद रहते तो आप उसमें से देख के, एक बार अगर आपने देख के मूव कर दिया तो दूसरी बार आप कभी भी भूल नहीं पाओगे दोस्तों ओपनिंग के मूव्स। तो इसीलिए इसी तरीके से आपको ओपनिंग तैयार करनी होती है। मैं ओपनिंग प्रिपरेशन इसी तरीके से करता हूँ कि ओपनिंग के मूव्स बुक में देखता हूँ, अगर जब तक मुझे याद रहता है तब तक मैं उसके मूव्स याद करके करता हूँ। जहाँ पे मैं स्टॉप हो जाता हूँ कि ये इसके बाद क्या करना है, तब मैं
पहले तो सोचता हूँ और फिर भी नहीं मिलता है मुँह, तब मैं बुक में मूव देख के कॉपी करके मूव करता हूँ। तो दोस्तों ये पोजिशन सॉरी ये ओपनिंग जो है NC6 E4 अगेंस्ट NC6, ये आप तैयार करके जब भी गेम खेलोगे बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि आपके पास जब इसके सारे वेरिएशन आपके पास आ जाएंगे, अभी बहुत सारे वेरिएशन मुझे सिखाने बाकी है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि और भी बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी पूरी ओपनिंग जबरदस्त तैयार होगी, आप वाइट को बहुत ही जबरदस्त फाइट दे सकते हो, हरा सकते हो, इसीलिए कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे और भी वेरिएशन के साथ। जय हिंद, जय गुजरात।